हेलो गाइस, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़ रहा है। मैं हूँ आपका होस्ट विकास और लेके आ गया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाइस हमारे फ्री फायर में आने वाले मे मंथ के इलीट पास के बारे में। तो गाइस मे मंथ के इलीट पास में आप सभी को कौन से बंडल एंड कौन कौन से आइटम यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं आज के वीडियो के अंदर आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। एंड साथ ही यहाँ पे मैं बात करूंगा हमारे स्कालर कैरेक्टर के इवेंट के बारे में। तो गाइस जो हमारा स्कालर कैरेक्टर है वो आप सभी को किस इवेंट के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। एंड साथ ही गाइस और भी काफी सारे अपडेट्स आज के वीडियो के अंदर आपको मैं प्रोवाइड यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर से देखना। एंड हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर जरूर से सेट कर देना, क्योंकि गाइस हम आपके लिए ऐसे अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं एंड आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाले होली इवेंट के बारे में, जिसके अंदर गाइस आप सभी के यहाँ पे काफी सारे जो पुराने रिवॉर्ड है वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस आप सभी देख सकते हो ये रहा भैया हमारा होली इवेंट। तो इधर पे गाइस आप सभी को कुछ बलून वगैरह यहाँ पे फोड़ने हैं, उनके अंदर गाइस आप सभी को यहाँ पे स्पेशल इमोट, साथ ही यहाँ पे जो हमारा M87 का स्किन है वो देखने को मिल सकता है, साथ ही यहाँ पे ये व्हाइट वाला जो ड्रेस है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस ये वाला जो फोटो आप लोग देख सकते हो ये अभी अभी यहाँ पे निकल करके आया है, तो हो सकता है ये वाला जो इवेंट है गाइस आप सभी को होली के टाइम पे यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो आप सभी को ये वाला इवेंट कैसा लगा एंड इसके आइटम आपको कैसे लगे आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा। तो चले गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड अभी बात कर लेते हैं एक और खतरनाक अपडेट के बारे में, जो कि हमारे अगले हैकर स्टोर का है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारे बाहर के काफी सारे सर्वर के ऊपर यहाँ पे हैकर स्टोर के अंदर हमारे जो इसका अलग करेक्टर है वो यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया गया है। तो मे बी गाइस ये जो करेक्टर है हमारे इंडियन सर्वर के अंदर भी आप सभी को यहाँ पे फील्ड व्हील या फिर भैया हैकर स्टोर के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पे गाइस आप लोग देख लो यहाँ पे बंडल भी है एंड करेक्टर भी है, तो मतलब अलग अलग होंगे दोनों चीजें, ठीक है। एक में आपको भैया करेक्टर पहले मिल सकता है एंड आखिरी में गाइस आप सभी को इसका जो बंडल है वो भी यहाँ पे मिल सकता है। तो गाइस इसका अलग करेक्टर के जो चांसेस हैं वो है हमारे इंडियन सर्वर में टॉप अप इवेंट के अंदर आने के। तो आप सभी कितने डायमंड के टॉप में चाहते हो हमारा इसका अलग करेक्टर कमेंट करके जरूर से बताना। साथ ही गाइस जो इसका स्पेशल इमोट है वो भी आप सभी को यहाँ पे लगभग 500 डायमंड के टॉप में देखने के लिए मिल जाएगा हमारे इंडियन सर्वर के अंदर। तो गाइस ये इमोट कैसा है इसका वीडियो आपको मैं दिखा देता हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो इमोट है 500 डायमंड के लायक है या फिर नहीं है। तो आप सभी यहां पे ये वाला इमोट देख सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी तो नहीं है फिर भी काम चलाऊ है। तो इमोट आपको कैसा लगा भैया आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी बता दो। एंड मेरे हिसाब से ये जो इमोट है 300 डायमंड के टॉप में आना चाहिए। आप सभी का क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड हां, स्काला करेक्टर की जो एबिलिटी है वो भी आपको आगे मैं बता दूंगा, तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर से देखना। एंड हां, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना भैया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एक और टॉप अप इवेंट के बारे में, जिसकी काफी ज्यादा डिमांड यहाँ पे निकल करके आ रही है एंड काफी सारे बंदों के कमेंट आ रहे थे भैया डबल डायमंड बोनस टॉप इवेंट कब आएगा। तो गाइस डबल डायमंड बोनस टॉप इवेंट जो है आप सभी को 15 मार्च या फिर 16 मार्च तक हमारे इंडियन सर्वर में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि गाइस अभी 9 मार्च को जो टॉप अप आएगा उसमें आप सभी को ब्लू प्रिंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन के इवेंट आएंगे, साथ ही यहाँ पे भैया आप सभी को जो है हमारा डबल डायमंड टॉप अप इवेंट भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर से बता देना। एंड हाँ, अगर टॉप इवेंट की बात कर ही रहे हैं तो आप सभी को कंफर्म टॉप अप बता देते हैं जो कि भैया आने वाला है 9 मार्च को। तो 9 मार्च को आप सभी को क्या देखने को मिल जाएगा वो आपको बता देता हूँ। तो गाइस आप सभी यहाँ पे वाला टॉप इवेंट देख सकते हो, जिसके अंदर गाइस यहाँ पे एक डायमंड के टॉप में एंजल बॉक्स अवेलेबल करवाया गया, जिसके अंदर यहाँ पे 3 क्रिएट उसकी है, ठीक है। एंड यहाँ पे भाई जो ग्लू वॉल की स्किन है ये आप सभी को 500 डायमंड के टॉप में अवेलेबल करवाई गई है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग ये वाली जो ग्लू वॉल की स्किन देख सकते हो ये भी आप सभी को 9 मार्च के टॉप इवेंट में 500 डायमंड के टॉप में देखने को मिल जाएगी हमारे इंडियन सर्वर के अंदर। एंड ये बिल्कुल ही कंफर्म यहाँ पे हो चुका है एंड कल शाम तक मैं एक और वीडियो आप सभी को लेकर के आ जाऊंगा एंड जो भी न्यू टॉप इवेंट वगैरह निकल करके आए हैं वो भी आप सभी को मैं बता दूंगा। तो आप लोग क्या चाहते हो टॉप इवेंट का वीडियो मैं कब डालूँ कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर से बताना। एंड साथ ही गाइज आप सभी को 1000 डायमंड के टॉप में जो है यहाँ पे हमारा न्यू इनक्यूबेटर का जो ब्लू प्रिंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड आपको तो पता ही है भैया 1000 डायमंड के टॉप में हमेशा से ब्लूप्रिंट यहां पे आता है, तो ब्लूप्रिंट कौन कौन निकालने वाला है हमारे अगले टॉप इवेंट से कमेंट करके आप लोग मुझे जल्दी बता दो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं हमारे न्यू करेक्टर की एबिलिटी के बारे में। तो गाइस इसका एबिलिटी कुछ ऐसा होगा, जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पे इसके एक्टर स्किल को जो ऑन करते हो तो भैया ये जो सामने की ग्लू वॉल वगैरह रहती है वो तोड़ देता है। एंड हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे ग्लू वॉल यूज करते हो तो भैया पर ग्लू वॉल आप सभी को जो हेल्थ है वो यहाँ पे 40 इंक्रीज होती है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो।
एंड हाँ गाइस, अगर इसकी एक्टिव स्किल की यहाँ पे मैं बात करूँ तो भैया 100 मीटर के अंदर अगर 5 ग्लू वॉल आप लोग ने यहाँ पे लगाई हैं एंड अगर आपने इसकी एक्टिव स्किल जो है यूज़ कर दी है तो आपके सामने जो 5 ग्लू वॉल यहाँ पे लगी हुई होंगी जिसके ऊपर आपने यहाँ पे थ्रो करके मारा है इसका एक्टिव स्किल, वो यहाँ पे सारी की सारी जो है टूट जाएंगी, जो कि मुझे इसका एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ओपी लगा है। एंड ये वाला जो करेक्टर है गाइस सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, लोग से भी ओपी यहाँ पे होगा एंड साथ ही गाइस ग्लू वॉल लगाने पे ये हेल्थ आपको देगा। तो कस्टम रूम के लिए भैया ये जो करेक्टर है बहुत ही ज़्यादा ओपी है, तो आप लोग में से किस किस को अच्छा लगा इसका एबिलिटी कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताना। साथ ही यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एक और इवोल्यूशनरी ड्रेस के बारे में जो कि बाहर के सर्वर के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। एंड हाँ गाइस, ये वाली जो ड्रेस है फ्यूचर में आप सभी को हमारे इंडियन सर्वर के अंदर भी बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है एंड इसके अंदर भी भाई आप सभी को काफ़ी सारे डायमंड्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो ये ड्रेस है भैया आप सभी को अपग्रेड वाला देखने को मिल जाता है, यानी जैसे आप लोग किल वगैरह करते जाते हो एंड इसका जो लेवल है वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है, जो कि आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे बात करता हूँ कटाना की स्किन के बारे में। तो गाइस यहाँ पे ये वाली जो कटाना की स्किन है आप सभी को मे मंथ के एलीट पास के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। तो गाइस कैसे लगी है ये वाली कटाना की स्किन कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर से बताना। साथ ही गाइस यहाँ पे एक बैकपैक स्किन निकल कर आ रहा है जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है हमारे मे मंथ के एलीट पास के अंदर। तो गाइस आप लोग यहाँ पे बैकपैक देख सकते हो जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप सभी को ये वाला बैकपैक अच्छा लगा या फिर अच्छा नहीं लगा कमेंट करके जरूर से बताना। साथ ही गाइस यहाँ पे एक ग्लू वॉल की स्किन निकल करके आ रही है जो कि हो सकता है आप सभी को हमारे मे मंथ के एलीट पास में देखने के लिए मिल सकती है। तो ये रहे भैया वो वाली ग्लू वॉल की स्किन। गाइस ये वाली जो ग्लू वॉल की स्किन है आप सभी को अच्छी लगी या फिर अच्छी नहीं लगी कमेंट करके जरूर से बताना। एंड हाँ गाइस, जो भी आइटम आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल ही कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप सभी को यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि आप सभी को भैया मे मंथ के एलीट पास के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। एंड जैसे ही कन्फर्म वीडियो आता है सबसे पहले आपका भाई आपको अपडेट दे देगा। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक करके भैया और घंटे के बटन को ऑल के ऊपर सेट जरूर से कर देना है। इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे ये वाला बंडल देख सकते हो, ये वाला जो ड्रेस है गाइस यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सभी को हमारे मे मंथ के एलीट पास के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे इस वाले ड्रेसेस की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आप सभी को भैया हमारे मे मंथ के एलीट पास के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो कैसा लगा है आप सभी को ये वाला ड्रेस आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड बात करूं मैं इसकी फीमेल ड्रेस के बारे में तो इसका जो फीमेल ड्रेस है वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा ओपी लगा है गाइस। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये वाला ड्रेस अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है। एंड इसकी जो चोटी है वो मुझे सबसे ज्यादा ओपी लगी। आप सभी को इस वाले बंडल के अंदर क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद यहाँ पे एक और बंडल निकल कर आ रहा है जो कि आप सभी को हमारे मे मंथ के एलीट पास के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस ये रहा वो वाला ड्रेस जो कि यहाँ पे भैया इसके भी चांसेस हैं कि आप सभी को मे मंथ के एलीट पास के अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस जो भी पॉसिबल बंडल वगैरह थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये वाला ड्रेस एंड स्टार्टिंग का जो ड्रेस था इन दोनों में से आप सभी को कोई ना कोई जो है जरूर से देखने के लिए मिल सकता है हमारे मे मंथ के एलीट पास के अंदर। साथ ही गाइस इसका फीमेल ड्रेस भी आप लोग देख सकते हो। तो गाइस आप सभी को इन दोनों ड्रेसेस में से कौन से वाले ड्रेस अच्छे लगे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ एंड आप लोग कौन सी वाली ड्रेस चाहते हो हमारे मे मंथ के एलीट पास के अंदर ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बता देना। एंड हाँ गाइस, जो भी आइटम मैंने आपको आज के वीडियो के अंदर बताए हैं वो सिर्फ यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है एंड जैसे ही कंफर्मेशन होता है सबसे पहले आपका भाई आपको अपडेट दे देगा। तो भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके भैया और जितना हो सके शेयर भी कर देना एंड हाँ बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना मत भूलना, क्योंकि हम जब भी आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगा। एंड जो भी बंदे लोग यहाँ पे देख रहे हो एंड अगर उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो भैया अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड जय हिंद गाइस। Captain Jack Sparrow.